नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। इलेक्ट्रिक ड्राइव में आपको जो है आज आपको लास्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। इससे पहले जो है जो पिछला लेक्चर पढ़ाया गया उसमें ट्रैक्शन पढ़ाया गया, लेकिन ये टॉपिक आपका छूट गया था तो इसको मैं पढ़ा दे रहा हूँ। मैकेनिकल पावर ट्रांसफ़र या मोटर पे जो मैकेनिकल मोटर के शाफ्ट पे जो मैकेनिकल पावर जनरेट हो रहा है या किसी डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन के शाफ्ट पर जो मैकेनिकल पावर हमारा जनरेट हो रहा है, उस मैकेनिकल पावर को हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, तो किस मेथड से ट्रांसफ़र करेंगे? डायरेक्ट कपलिंग मेथड से, बाय यूजिंग ड्राइव, लाइक जैसे बेल्ट ड्राइव हो गया, गियर ड्राइव हो गया और चेन ड्राइव हो गया। ठीक है, जैसे क्या कहते हैं हमारा साइकिल होता है या दो पहिया वाहन होता है तो उसमें भी चेन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इंजन में जो मैकेनिकल पावर जनरेट हो रही है वो चेन के माध्यम से जो है हमारा पहिए तक क्या होता है, जाता है। जो पीछे वाला पहिया होता है उसके ऊपर देखिए चेन लगा होता है, और जो इंजन होता है उसके ऊपर भी फ्री व्हील और हमारा चेन क्या होता है, लगा होता है। तो जब इंजन स्टार्ट होता है, एक्सीलेटर देते हैं, तो उसके बाद वो आगे गाड़ी को लेकर के जाता है। तो एक चेन मेथड से मैकेनिकल पावर का ट्रांसफ़र हो रहा है। मैकेनिकल पावर का मतलब है कि जो इंजन शाफ्ट पे मैकेनिकल पावर जनरेट करेगा उस मैकेनिकल पावर को जो है पिछले पहिए तक, अगर दो पहिया वाहन की बात करें तो पिछले पहिए तक ट्रांसफ़र करने के लिए जिस मेथड का यूज किया जाएगा या जिसका यूज किया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, चेन। क्योंकि चेन का यूज करेंगे तो चेन ड्राइव बोलेंगे। और ये चेन ड्राइव किस मेथड में आता है, डायरेक्ट कपलिंग मेथड में आता है कि डायरेक्टली जो है हम इंजन के शाफ्ट पर लगी फ्री व्हील को हम डायरेक्टली पिछले चक्के में लगी फ्री व्हील से कनेक्ट कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, वो डायरेक्ट कपलिंग मेथड हो जाएगा। और क्योंकि इंजन से डायरेक्टली वो क्या हुआ है, कनेक्ट हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार बेल्ट होता है, किसी इंजन या मोटर में जो मैकेनिकल पावर जनरेट हो रहा है उसके शाफ्ट पे जो मैकेनिकल पावर जनरेट हो रहा है तो उसको ट्रांसफ़र करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके शाफ्ट पर पहले पुल्ली लगाएंगे और पुल्ली के ऊपर एक पट्टा चढ़ाएंगे और उसके बाद जो है किसी दूसरे मशीन तक उसको ट्रांसफ़र करने के लिए या किसी दूसरे शाफ्ट पर उस मैकेनिकल पावर को ट्रांसफ़र करने के लिए हमें उस शाफ्ट पर भी एक पुल्ली लगाना पड़ेगा। तो उस पुल्ली और इस वाली पुल्ली पे क्या करेंगे, हम एक बेल्ट लगा देंगे और उस बेल्ट के माध्यम से जो है हमारा मैकेनिकल पावर ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसे ये कोई हमारा क्या है, इंजन है। ठीक है, ये कोई हमारा इंजन है और यहाँ पे ये स्टार्ट हो गया, ये हमारा क्या है, शाफ्ट है। तो इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, पुल्ली लगा देंगे, पुल्ली। अब यहाँ पर कोई हमारा इंजन है, जैसे आटा चक्की की मशीन है, यहाँ पर हमारा आटा चक्की की मशीन है, यहाँ पर इसका आटा चक्की की मशीन का शाफ्ट है और यहाँ पर इसका पुल्ली है। तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ से एक बेल्ट लगाएंगे और ये बेल्ट ले जा करके इसके ऊपर चढ़ा देंगे, ऐसे इसको ऐसे बना दें थोड़ा सीधे में। यहाँ पे भी एक पुल्ली है तो यहाँ पे एक बेल्ट लगाएंगे और इस बेल्ट को लाएंगे सीधा ऐसे लगा देंगे, उसके बाद क्या होगा। अब जब ये चलेगा तो इसके शाफ्ट में मैकेनिकल पावर जनरेट होगा तो इसका जो है पुल्ली घूमेगा, जब घूमेगा तो बेल्ट भी घूमेगा, अब बेल्ट घूमेगा तो ये पुल्ली को घुमाएगा, जब ये पुल्ली घूमेगा तो ये शाफ्ट हमारा घूमेगा, जब ये शाफ्ट घूमेगा तो हमारा ये जो गेहूँ पीसने वाली मशीन है वो ऑपरेट होगा और गेहूँ को क्या करेगा, पीसेगा, जिसे आटे में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो ये बेल्ट ड्राइव हो गया, ये क्या, बेल्ट पुली ड्राइव हो गया, इसे क्या बोलेंगे, बेल्ट पुली ड्राइव हो गया। और चेन वाला, तो चेन का अगर देखेंगे तो चेन अपने साइकिल का एग्जांपल ले लीजिए, मोटरसाइकिल का एग्जांपल ले लीजिए, वो चेन वाला एग्जांपल हो गया आपका। और एक होता है गियर ड्राइव, गियर का मतलब है कि जैसे उसके माध्यम से जो है स्पीड को कम ज़्यादा किया जा सकता है और मैकेनिकल पावर को भी एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पे क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। समझ में आया, तो गियर जो है शाफ्ट पे ही क्या किया जाता है, लगाया जाता है। हालांकि आप लोग इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हैं, जो मैकेनिकल वाले हैं इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन आप लोग भी समझते हैं, यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना तो शाफ्ट पे जो गियर लगता है उसके बारे में एकदम
दिखाएगा उसका वीडियो, आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप समझ रहे होंगे, आपको इतना डिटेल में यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये जानना है कि मैकेनिकल पावर जो ट्रांसफ़र होता है वो डायरेक्ट मेथड में जो है, यहाँ पर अभी तीन मेथड आपके सिलेबस में दिया था तो तीन मेथड के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। पहले मैकेनिकल पावर ट्रांसफ़र की मैं बात कर लूँ, यहाँ पर जो लिखा गया है ना, यही चीज़ लिखा गया है कि जैसे कोई इंजन हो गया, डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन हो गया, या फिर कोई इलेक्ट्रिक मोटर हो गई, तो जब इसको हम चालू करेंगे तो इसके शाफ्ट पर मैकेनिकल पावर हमारा जनरेट होगा। तो अब ये मैकेनिकल पावर जो जनरेट हुआ है, इसको किसी दूसरे शाफ्ट पर या किसी दूसरे मशीन पर ट्रांसफ़र करने के लिए जिस मेथड का यूज किया जाता है उसे हम क्या बोलेंगे, एक डायरेक्ट कपलिंग मेथड होता है और एक इनडायरेक्ट कपलिंग मेथड होता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट कपलिंग मेथड हम बोलेंगे क्योंकि डायरेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ। अब जिसमें आपका आ जाएगा चेन ड्राइव, गियर ड्राइव और बेल्ट ड्राइव आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट ही हमें पढ़ना है, होते तो बहुत सारे हैं लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। तो मैकेनिकल पावर ट्रांसफ़र करने के लिए हम किस किस चीज़ का यूज कर रहे हैं, गियर ड्राइव का, बेल्ट ड्राइव का और चेन ड्राइव का, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर थोड़ा जटिल लैंग्वेज में लिखा गया है तो आपको समझने में दिक्कत ना हो, इसलिए आपको थोड़ा पहले ही वैसे ही बता दिया। इंजन व इलेक्ट्रिक मोटर में जनरेटेड मैकेनिकल पावर, इंजन व इलेक्ट्रिक मोटर में जनरेटेड मैकेनिकल पावर जो इनकी शाफ्ट पर अवेलेबल होता है, कोई भी इंजन हो या मोटर हो, चालू किया जाएगा तो उसमें मैकेनिकल पावर जनरेट होगा और वो मैकेनिकल पावर कहाँ पर होगा, शाफ्ट पर होगा, ठीक है। को विभिन्न मैकेनिकल कार्य करने हो, बहुत सारे मैकेनिकल कार्यों को करना होता है, कार्यकारी मशीनें होती हैं, जैसे आटा चक्की की मशीन होती है, धान कूटने की मशीन होती है, राइस मिल होती है, तेल पेरने की मशीन होती है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी मशीनों को ऑपरेट करने के लिए, तो वही कह रहा है को विभिन्न मैकेनिकल कार्य करने वाली मशीनों, तो वो सब मैकेनिकल कार्य करने वाली मशीनों की शाफ्ट पर अवेलेबल करने के लिए, शाफ्ट पर अवेलेबल करने के लिए इंजन की मोटर की ड्राइविंग शाफ्ट तथा कार्यकारी मशीन की ड्राइविंग शाफ्ट को परस्पर कपल करने की आवश्यकता होती है। तो जो कार्यकारी मशीन है और जो हमारा इंजन है या इलेक्ट्रिक मोटर है, तो कार्यकारी मशीन के शाफ्ट को और इलेक्ट्रिक मोटर या इंजन के शाफ्ट को हमें कपल करने की ज़रूरत पड़ेगी, तभी जा करके हम क्या करेंगे, मैकेनिकल पावर को ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो कपल करने के यहाँ पर डायरेक्ट मेथड हम यूज कर रहे हैं, जिसमें चेन ड्राइव, चेन कपलिंग मेथड का यूज करेंगे, गियर कपलिंग मेथड का यूज करेंगे, बेल्ट कपलिंग मेथड का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। उसी को बेल्ट ड्राइव, गियर ड्राइव, चेन ड्राइव के नाम से क्या कर रहे हैं, जान रहे हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर क्या किया गया है, लिखा गया है परस्पर कपल करने की आवश्यकता होती है। यह कपलिंग डायरेक्ट भी हो सकता है तथा इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कपलिंग व्यवस्था में परस्पर निकट स्थित दोनों शाफ्ट को रिजिड कपलिंग अथवा फ्लेक्सिबल कपलिंग द्वारा कपल्ड कर इंजन या मोटर की मैकेनिकल पावर को कार्यकारी मशीन तक पहुंचाया जाता है। देखिए, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कपलिंग व्यवस्था में परस्पर निकट स्थित दोनों शाफ्ट, अगर मान लीजिए निकट स्थित दोनों शाफ्ट को रिजिड कपलिंग, एक रिजिड कपलिंग होता है और एक फ्लेक्सिबल कपलिंग होता है, वही तो बताया मैं, कई सारी कपलिंग होती हैं लेकिन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में दो होता है, एक रिजिड कपलिंग और एक फ्लेक्सिबल कपलिंग, कपल करके इंजन तक पहुंचाया जाता है, कपल करके मोटर की मैकेनिकल पावर को कार्यकारी मशीन तक क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है। अब आगे देखते हैं, डायरेक्ट कपलिंग मेथड में मैकेनिकल पावर ट्रांसफ़र करने के निम्न मेथड हैं। कपलिंग, यहाँ पर कपलिंग लिखेंगे, डायरेक्ट कपलिंग में मैकेनिकल पावर ट्रांसफ़र करने के लिए निम्न मेथड हैं।
वो भी बेल्ट पुली ड्राइव, चेन ड्राइव, गियर ड्राइव, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और ये चीज़ लिखना आपके लिए ज़रूरी है, दोनों के शाफ्ट को कपल करना है। कपल करने के लिए हम डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे। मेथड आपका डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में दो तरीके से कपलिंग की जाती है, एक आपका रिजिड कपलिंग होता है और एक फ्लेक्सिबल कपलिंग होता है। रिजिड कपलिंग के अपने फ़ायदे हैं, फ्लेक्सिबल कपलिंग के अपने फ़ायदे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में जानने की ज़रूरत हमको नहीं है, जितना सिलेबस में है उतना ही पढ़ते हैं। यहाँ ये पूछ सकता है कि डायरेक्ट कपलिंग में कौन कौन से मेथड आते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हालांकि अभी कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले बेल्ट पुली ड्राइव बात करेंगे। तो बेल्ट पुली ड्राइव में आपको जब शाफ्टों के मध्य दूरी अधिक हो, यहाँ पर लिखेंगे, डिस्टेंस अधिक हो, तब शाफ्टों में पुली लगाकर बेल्ट की सहायता से मैकेनिकल पावर पावर ट्रांसफर किया जाता है, मैकेनिकल पावर ट्रांसफर किया जाता है। इस बीच से गति परिवर्तन करने में सहायता मिलती है, इस मेथड से गति चेंज करने में सहायता मिलती है। दोनों शाफ्ट की गतियों का अनुपात अनुपात रेशियो दोनों साफ में बधी पुलियों सॉफ्ट में बधी पुलियों पुलियों की परिधि पर निर्भर करता है। देखिए पुल्ली होता है ना, मान लीजिए दो शाफ्ट को आपस में कपल करना है, इंजन के शाफ्ट को या मोटर के शाफ्ट को किसी दूसरे शाफ्ट से कपल करना है, तो दोनों शाफ्ट पे हम पुल्ली लगाएंगे एकदम बराबर पे, ठीक है, एकदम सीधी रेखा में होना चाहिए।
तो उसमें से जिसकी पुल्ली क्या होगी, जैसे मान लीजिए मोटर वाली पुल्ली हमारी बड़ी है और उसके बाद जो है उस वाले अगले शाफ्ट पे जो पुल्ली लगी है वो पुल्ली हमारी क्या है, छोटी है। तो जो पुल्ली छोटी होगी उसकी स्पीड ज़्यादा होगी और जो पुल्ली बड़ी होगी उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। आप इतना समझ लीजिए, ठीक है, डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। जिसकी परिधि कम होगी उसकी शाफ्ट गति ज़्यादा होगी, जिसकी परिधि कम होगी उसकी शाफ्ट गति ज़्यादा होगी, ठीक है, उसकी शाफ्ट गति क्या होगी, ज़्यादा होगी। इनका उपयोग एक शाफ्ट से कई मशीनों को चलाने में किया जाता है, इनका उपयोग एक शाफ्ट से कई मशीनों को चलाने में किया जाता है, चलाने में किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारा मोटर है, मोटर है, यहाँ पे इसका शाफ्ट निकला हुआ है, तो शाफ्ट निकला है तो इसके ऊपर हम पुल्ली लगाएंगे, ठीक है, ये हमारा पुल्ली हो गया, ये हमारा पुल्ली हो गया। अब यहाँ पे कोई हमारी आटा चक्की की क्या है, मशीन है, आटा चक्की की मशीन है, ये भी कोई मशीन है जो गेहूँ पीसेगा, ठीक है, इसका यहाँ पे शाफ्ट हमारा क्या हुआ है, निकला हुआ है। तो शाफ्ट निकला हुआ है तो मान लीजिए बीच में एक और शाफ्ट है, बीच में एक और हमारा क्या है, शाफ्ट है, यहाँ पे बीच में हमारा शाफ्ट है ऐसे, मान लीजिए दो मशीनें हमको चलानी हैं ऐसे, ये कोई और मशीन है, तेल पेरने वाली मशीन है, तेल वाली मशीन, ठीक है। तो इस मोटर को हम इस शाफ्ट पे कनेक्ट करेंगे पहले, तो कैसे कनेक्ट करेंगे, पुली के माध्यम से, पुली के माध्यम से कनेक्ट करेंगे, ये हमारी पुली लग गई, ठीक है। तो अब इस शाफ्ट को ऑपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर बेल्ट लगा देंगे, ऐसे बेल्ट लगा देंगे, आप समझिए क्योंकि ये सर्कुलर नहीं दिखा पाएंगे, तो ये बेल्ट लग गया। अब जब मोटर चालू होगी तो इसका शाफ्ट घूमेगा, पुली घूमेगी, तो बेल्ट के माध्यम से ये शाफ्ट भी हमारा क्या होगा, घूमेगा, ठीक है, तो ये शाफ्ट भी हमारा क्या होगा, घूमेगा। अब इस मशीन को हटा दें, थोड़ा और नीचे कर दें, अब इसको जो है यहाँ पे कर दें। अब देखिए इस पे भी शाफ्ट हमारा लगा है, छोटा छोटा शाफ्ट, छोटा छोटा शाफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमको और शाफ्ट हमें क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों मशीनों को शाफ्ट कर रहे हैं पुल्ली, क्योंकि इन दोनों मशीनों को हमें क्या करना है, चलाना है। तो इस पे बेल्ट चढ़ा देंगे और इसको इससे बेल्ट चढ़ा देंगे, तो जब ये मोटर चलेगा तो शाफ्ट घूमेगा, पुल्ली घूमेगा, बेल्ट घूमेगा, तो ये शाफ्ट हमारा क्या होगा, घूमेगा। तो अभी शाफ्ट के माध्यम से देखिए यहाँ से मैकेनिकल पावर इस पे ट्रांसफ़र हो रहा है और इस शाफ्ट से मैकेनिकल पावर इस मशीन को ट्रांसफ़र हो रहा है चलाने के लिए, तो ये बेल्ट वाला सिस्टम हो गया। आप इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, या फिगर भी बना करके बना लीजिएगा और समझने के लिए, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक, अभी दो इसमें और बाकी हैं, बहुत ही सिंपल हैं, उसको अगले लेक्चर में समाप्त कर देता हूँ, ठीक है, धन्यवाद।